कहानी सुनो जुबानी सुनो, ये चैनल हैक हुआ था, इसका बेड़ा गर्क हुआ था। अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकता? तू अन्नू मलिक है तो मैं भी ईशान मलिक हूँ। जी हाँ दोस्तों, जोक्स अपार्ट, अभी जो आपने मेरी सुरीली आवाज में जो गाना सुना, सबसे पहले सॉरी फॉर दैट, ये म्यूजिकल चैनल नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मैं इस चैनल के लिए बहुत सारा कंटेंट वगैरह सब प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि मुझे है ना अनएक्सपेक्टेड कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक दो वीक पहले ये चैनल हैक हो चुका था एंड यूट्यूब ने जो हमारे जो भी शेड्यूल्ड वीडियोज जो थे वो उन्होंने डिलीट कर दिए, वरना बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत सारे काम के वीडियोज जो है वो इस चैनल पर डले हुए थे। लेकिन अब वो या तो मुझे रीशूट करने पड़ेंगे या फिर मैं उस कंटेंट को फिर से भूल जाऊं। लेकिन मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है मेरा चैनल हैक हो रखा है, क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है? आपको तो अपने काम के कंटेंट से मतलब है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके काम का कंटेंट मिलेगा, लेकिन यार कभी कभी तो यार मैं भी अपने मन की बात कर सकता हूँ ना यार। तो आज का यही वीडियो आप समझ लीजिए कि आज ये रिकवरी जो हुई है चैनल की, तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ चीजों का अनाउंसमेंट करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए बनाया जा रहा है कि हमारे जो भी हेटर्स हैं या कहें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं या ये जो कोई जेन्युइन हैकर भी है, वो कब हमारा चैनल फिर से हैक कर लेगा हमें नहीं पता। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ कि मैं जो हूँ अब से सिर्फ यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रहूंगा, मैं अब से इंस्टाग्राम है या फेसबुक जो है या जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इवन टेलीग्राम भी, मैं वहां पर अपने जो वीडियोस जो हैं उनको अपडेट किया करूंगा या अपलोड किया करूंगा। और मैं इस वीडियो के बाद से कोशिश करूंगा कि मैं अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक्स जो है वो वीडियो में भी अवेलेबल करूं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करूं, एंड बदले में हमारे जो भी जेन्युइन व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे जो भी चाहने वाले हैं, मैं उनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमें अब हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए, क्योंकि कौन से प्लेटफॉर्म का कब फिर से बेड़ा गर्क होगा मुझे नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एंड रही बात हमारे जो भी प्रिय हैकर हैं या हमारे जो भी कॉम्पिटिटर है, हालांकि मैंने आईपी एड्रेस तो निकलवाए हैं और मैं आगे जाके पुलिस को दे भी दूंगा कि भाई यहाँ से हुआ था। जब मैंने अपने थोड़े लेवल पे इंक्वायरी कराई तो मुझे थोड़ा बहुत पता भी चला कि ये भाई किसने करा था, नहीं कहाँ से करवाया गया, नहीं ये वो। मैं इस चैनल पे या कहेंगे इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ कि भाई किसने करवाया, वो कहाँ रहता है। हमारे या कहें कि इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं वो हमारी जेन्युइनिटी और हमारी ऑनेस्टी के लिए वजह से हमारे साथ हैं, एंड जो भी हमारे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं वो तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते ही हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि मैं खुद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ना कभी प्रमोट करता था एंड मैंने खुद ने भी कभी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे खुद को ग्रो करने का या चैनल को ग्रो करने का कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उस हैकर को एक्चुअली थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि भाई थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिया कि भाई मैं सिर्फ इसके भरोसे पे नहीं बैठ सकता। अगर मुझे सोशल मीडिया की गेम खेलनी है, मुझे लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के भरोसे पे मैं बैठ जाऊंगा तो भाई कोई भी आके मुझे लूट के चला जा सकता है। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले मैं अपने विरोधियों, अपने हैकर मित्र और हमारे जो कॉम्पिटिटर है जिन्होंने ये सब चीजें करवाई, उनको मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, तुम लोग गलत सलत वीडियो बनाते हो, तुम लोग अपने थंबनेल में क्लिक बेट करते हो और उसके बाद भी इतनी झूठी बातें करते हो, ये वो। मैं इस चैनल पर ऐसी कोई बात नहीं करता, क्लिक बेट यूज करता हूँ कभी कभार, ये मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन उसके बाद कंटेंट मेरा झूठ नहीं होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा वजह है कि मैं सिर्फ इसी के भरोसे पे नहीं बैठा हूँ। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब नहीं है, तो मेरे लिए सच रख पाना बहुत इजी है तुम लोगों के मुकाबले। तुम लोगों का तो समझ में आता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं भी चला जाऊँगा, फिर अंदर वीडियो में कुछ और ही बोलते हो कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, या मैं तो और अपने लोगों को बुला रहा हूँ, मैं तो सबको बुला रहा हूँ, ऐसे सब कंटेंट मैं नहीं बनाता। मेरा तो वही है कि भाई फैक्ट रख दो, फिर पब्लिक अपने आप डिसाइड करेगी उनको आना है नहीं आना है। और ये जो अच्छी हरकतें हैं कि भाई मैं किसी और का चैनल हैक करवाऊं, ये सब बहुत ही छोटी हरकतें हैं जो मैं सब ये सब नहीं करता। अगर बहुत तुमको है तो भाई कंटेंट टू कंटेंट लड़ेंगे ना, तुम अपना बनाओ मैं अपना बना रहा हूँ और पब्लिक अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी उनको किसका कंटेंट देखना है किसका नहीं देखना है। तो कम ऑन बी अ मैन, ये ऐसी कैसी, तुम खुले आओ मैदान में, वहां पर देख लेंगे। और अगर करंट मुकाबले की भी बात है तो वैसे ही तुम लोग जीते हुए हो, काफी तुम्हारे लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं। मैं तो एक छोटा देखूं 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं, व्यूज भी कुछ ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि मैं अपने कामों में, अपने जॉब वगैरह में इतना बिजी रहता हूं कि मुझे आजकल खुद ही इतना वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत रेगुलर हुआ ही था कि वहां पर तुम लोगों ने चैनल हैक करवाना है, ये सब करना शुरू कर दिया। तो इतना क्या डर रहे हो यार, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारे ऑडियंस वैसे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जितना पैसा तुमने मेरा चैनल हैक करवाने में कराया, उससे कम पैसों में तुम मेरी ट्रोलिंग करवा सकते हो। तुम लोग ट्रोलिंग मेरी नहीं करा पाए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये इंसान जो बोलता है वो ज्यादा सच बोलता है, लेकिन चलो कोई नहीं, लो मैंने तुमको आइडिया दे दिया है, कोशिश कर लो। बाकी मैं तो भाई वीडियो बनाता रहूंगा, मैं कोई ऐसे ऐसे डरता नहीं हूँ। तुम लोग एक चैनल हैक करोगे मैं दूसरे 100 खड़े कर दूंगा और करता जाऊंगा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे मेरे सब्सक्राइबर काउंट गिर जाते हैं या मेरे व्यूज़ गिर जाते हैं, मुझे इन सब चीज़ों की कभी नहीं पड़ी है। इस चैनल का मकसद हमेशा से यही रहा है कि पर वीडियो एटलीस्ट दो लोगों की भी हेल्प हो जाती हो तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना और मेरा यूके आना हो या मेरा दुनिया में आना हो वो सफल हो जाएगा। तो इसी मकसद के साथ हम इस चैनल पे लगे हुए हैं एंड आगे भी लगे रहेंगे। तो बस इसी इरादे और इसी स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब जो भी हमारे ट्रू व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फैंस जो हैं, वो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, प्लस इस वीडियो के दौरान कई बार स्क्रीन पे भी फ्लैश हुई होगी। मैं बस आप लोगों से यही विनती करता हूं कि भाई आप लोग जितने भी प्लेटफॉर्म पे अगर पॉसिबल है वहां पर हमें ज्वाइन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब से हर वीडियो जो है मैं जो भी हमारे अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स जो हैं यूट्यूब के अलावा सब पे अवेलेबल हो। इस ब्लॉग के दौरान मैंने काफ़ी हद तक शॉर्ट कंटेंट को बनाना तो सीखा है और मैंने इंस्टाग्राम पर काफ़ी हद तक अपलोड भी किए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। एटलीस्ट 3-4 वीडियो तो मैंने शॉर्ट्स के भी डाले हैं। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस कॉम्पिटिटर ने या किस हैकर ने ये जरूरत करी हो सकती है। अगर कोई हैकर मेरा भाई देख रहा है तो डायरेक्टली ओपनली कमेंट में आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है कि हाँ भाई मैंने हैक किया था तेरा करके। मैं अप्रिशिएट करूंगा तुमको। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।